हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेड में। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि टेबलेट फॉर्मुलेशन में हमारा एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट्स यूज़ होता है। ऑप्शंस हमारे दिए हुए सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट स्टार्च, सी हमारा PVC एंड डी हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जो हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज़ होता है फॉर्मुलेशन में, वो होता है हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ठीक है ना। और बाकी जो अपना स्टार्च जो है वो स्टार्च, दोस्तों हमारा स्टार्च इज़ यूज्ड एज अ बाइंडर, डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट, ठीक है ना। स्टार्च हमारे बाइंडर की तरह भी, डाइल्यूएंट की तरह भी और डिसइंटीग्रेंट की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपना आता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो दोस्तों, जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये हमारे यूज इन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस एज एन एब्जॉर्बेंट, एंटी केकिंग एजेंट, ऑफेसिफाइंग एजेंट, विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपना वो है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पार्टिकल वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं काउंटर काउंटर, बी हमारा माइक्रोस्कोप, सी हमारा हैम्पल ब्यूरेट एंड डी हमारा हीलियम डेंसियोमीटर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पार्टिकल वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो है अपना काउंटर काउंटर, ठीक है ना दोस्तों। काउंटर काउंटर हमारा पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल साइज और पार्टिकल नंबर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि माइक्रोस्कोप हमारा बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जबकि हैम्पल ब्यूरेट जो होता है दोस्तों, हैम्पल ब्यूरेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द गैस। हैम्पल ब्यूरेट गैस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट विच इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी। इनमें से ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं लुब्रिकेंट ए, बी दिया हमारा ग्लाइडेंट, सी हमारा है एमोलिएंट एंड डी हमारा है सर्फेक्टेंट। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर है हमारा बी, ग्लाइडेंट, ठीक है ना दोस्तों। ग्लाइडेंट जो होता है वो हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अपना लुब्रिकेंट होता है दोस्तों, ये लुब्रिकेंट क्या होता है कि अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब टेबलेट पंच करते हैं, तो जो टेबलेट पंच करने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं, तो इस लुब्रिकेंट क्या होता है कि वो टेबलेट को उस कैविटी की वॉल से चिपकने नहीं देता, जिसकी वजह से जो टेबलेट का शेप है वो प्रॉपर निकलता है। इसके बाद जो आते हैं अपने एमोलिएंट, तो एमोलिएंट दोस्तों क्या होते हैं, ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं जो कि स्किन पे जो है कि वाटर के लोश को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अपने सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों, सर्फेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो दो इनमिसिबल सब स्टेंस के बीच की सरफेस टेंशन को कम करके उनको मिसिबल बनाते हैं, ठीक है। अब अगला आता है अपना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टेबलेट मे हैव स्मॉल पिन होल ऑन द सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज। तो कोई भी टेबलेट जो ठीक तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं की गई हो, उसको सरफेस पे जो स्मॉल पिन होल्स टाइप के हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं पिकिंग, मॉडलिंग, लीचिंग और क्रैकिंग। तो क्या आंसर इसका जो है दोस्तों, वो है पिकिंग। किसी भी टेबलेट के सरफेस के ऊपर जो पिन होल्स टाइप हो जाते हैं, उसे हम पिकिंग बोलते हैं। जबकि मॉडलिंग जो होती है दोस्तों, मॉडलिंग इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट, ठीक है ना दोस्तों। तो मॉडलिंग जो होता है वो हमारे टेबलेट के ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को कहते हैं। लीचिंग होती है दोस्तों, जो ज़्यादातर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में होती है, जिसमें क्या होता है अंदर का जो लिक्विड मटेरियल फिल्ड होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर, वो किस ठीक तरीके से अगर पैक नहीं हुआ होता है, तो उसमें से मटेरियल जो ड्रग है, जो API है, वो बाहर लीच करने लगता है, इसको लीचिंग बोलते हैं। देन आता है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग दोस्तों, किसी भी टेबलेट को ठीक तरीके से अगर पंच नहीं किया गया प्रॉपर फोर्स के साथ, तो उसके क्या है, ऊपर उसके सरफेस पे क्रैकिंग, दरार टाइप की हो जाती है, जिसे हम क्रैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है फिर द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्युएबल टेबलेट फॉर्मुलेशन इज।
तो जो च्यूएबल टेबलेट फॉर्मुलेशन होती हैं उनमें स्वीटनिंग एजेंट किस को यूज़ किया जाता है इनमें से? ऑप्शन हमारे दिए हैं सुक्रोज, बी हमारा है साइक्लामेट सोडियम, सी हमारा है सैक्रिन सोडियम और डी है हमारा मैनिटोल। तो च्यूएबल टेबलेट में स्वीटनिंग एजेंट ऐसा यूज़ किया जाता है वो अपना मैनिटोल। मैनिटोल को च्यूएबल टेबलेट में एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है सब कोटिंग इज़ गिवन टू द टेबलेट। तो जो सब कोटिंग है टेबलेट की वो हम टेबलेट पर क्यों करते हैं? ऑप्शन हमारे हैं टू इंक्रीज द बल्क, दूसरा हमारे टू अवॉइड डिटेरियेशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, सी हमारे टू प्रिवेंट सोल्यूबिलिटी इन एसिडिक मीडियम एंड डी हमारे टू अवॉइड स्टिकीनेस। तो जो सब कोटिंग होती है टेबलेट की वो करते हैं हम टू इंक्रीज द बल्क, टेबलेट की बल्किनेस को बढ़ाने के लिए हम सब कोटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज, जो हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन में सॉलिड का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं 100 ppm, 100 ppm, 1.0 ppm, 0.1 ppm या फिर 10.0 ppm। आंसर जो हमारा वो है 10 ppm। ठीक है ना दोस्तों, एज पर जीएमपी परमिटेड वाटर फॉर इंजेक्शन में सॉलिड की लिमिट जो है वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एल्काइलिनिटी इन। तो जो वाटर अटैक टेस्ट होता है वो इनमें से किस टाइप के ग्लास की एल्काइलिनिटी को टेस्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन हमारे हैं टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास या ऑल ऑफ द 3 टाइप ग्लास। तो आंसर जो है हमारा टाइप 2 ग्लास। जो वाटर अटैक टेस्ट होता है दोस्तों वो हम टाइप 2 ग्लास के लिए यूज़ करते हैं। ग्लास टेस्ट होते हैं दोस्तों वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर ग्लास टेस्ट और एक होता है पाउडर ग्लास टेस्ट। तो जो वाटर अटैक टेस्ट होता है दोस्तों वो ओनली टाइप 2 ग्लास के लिए यूज़ किया जाता है और बाकी के जो टाइप 1 और टाइप 3 के जो ग्लासेस हैं उनके लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, फॉर ड्राइंग ब्लड प्लाज्मा द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड। तो ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं? ऑप्शन हमारे दिए हुए ए स्प्रे ड्राइंग, बी फ्रीज ड्राइंग, सी वैक्यूम ड्राइंग और डी फ्लूइड बेड ड्राइंग। तो आंसर जो हमारा जो कि ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारी है फ्रीज ड्राइंग। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टेबलेट। शुगर कोटेड टेबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? ऑप्शन हमारे हैं 30 मिनट, बी है हमारा 45 मिनट, सी हमारा 60 मिनट, डी 75 मिनट। तो शुगर कोटेड टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है वो होता है 60 मिनट। ठीक है ना, इसमें दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ टेबलेट दिए जिनके डिसइंटीग्रेशन टाइम है, जैसे पहला दिया हमारा अनकोटेड टेबलेट। अनकोटेड टेबलेट जो है दोस्तों इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम तो 15 मिनट एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राफ। उसके बाद आते हैं अपनी फिल्म कोटेड टेबलेट। तो फिल्म कोटेड टेबलेट का जो टाइम होता है डिसइंटीग्रेशन वो होता है 30 मिनट। उसके बाद आती है अपनी शुगर कोटेड, तो शुगर कोटेड का अपना होता है 60 मिनट। देन आती है अपनी डिस्पर्सेबल टेबलेट, तो डिस्पर्सेबल टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम लगभग 3 मिनट का होता है। एंड देन आती है अपनी एफर्वेसेंट टेबलेट। एफर्वेसेंट टेबलेट जो होती है दोस्तों उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम लगभग 5 मिनट होता है। और एंट्री कोटेड टेबलेट, एंट्री कोटेड टेबलेट का दोस्तों 60 मिनट के लगभग होता है। देन आती है अपनी सोल्युबल टेबलेट, सोल्युबल टेबलेट का 3 मिनट होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम फिर देखेंगे अगले 10 फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।